नमस्ते फ्रेंड्स, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणामध्ये अनेक आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की अभ्यासक्रमात कोणकोणते बदल करण्यात आले, नवीन शैक्षणिक धोरण कधीपासून लागू होणार, 10वी 12वीच्या बोर्ड परीक्षा होणार का आणि परीक्षांचं स्वरूप कशाप्रकारे असेल. आपले आधीचे शिक्षणाचे स्वरूप 10+2 होते, ते बदलून आता 5+3+3+4 असे करण्यात आले. 5+3+3+4 म्हणजे काय, या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, लिंकवर क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकतात. सर्वात आधी आपण बघूया की नवीन शैक्षणिक धोरण आणि जुने शैक्षणिक धोरण यात काय फरक आहे. ये शिक्षा नीति अच्छा ज्ञान भी देगी, अच्छा कौशल भी देगी, हुनर भी देगी, रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ साथ अच्छा इंसान तैयार होगा, ये सबसे मुख्य फर्क है. नवीन धोरणात पालकांसाठी पण ट्रेनिंगचा समावेश. कि 0 से 3 वर्ष का सब फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पे क्या कर सकते हैं. तो तीसरे उम्र से लेकर 8वीं उम्र तक ना परीक्षा होगी, ना कोई पाठ्यक्रम होगा, ना कोई किताब होगा, लेकिन उसको रोज नए कार्यक्रम के अनुसार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो नए नए कौशल सीखे, आनंद ले, दुनिया को समझे, आसपास जो दुनिया है वो समझे. कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करेगी. 6 to 8 वाला जो कक्षा है उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा. क्वेश्चन है कि कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कॉम्पिटेशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है, तो 21st सेंचुरी स्किल्स भी उसके साथ समावेश किए जाएंगे. वोकेशनल जो है वो क्लास 6 से शुरू किया जाएगा, ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है. इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है वहाँ जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहाँ जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स ट्रेड्स क्या हैं. 9th to 12th है, इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे जैसा हायर एजुकेशन में है कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा. अगर बच्चा फिजिक्स के साथ जैसा सर ने कहा फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड. सगळ्याच 10वी 12वीच्या मुलांना पडलेला प्रश्न, बोर्ड एग्जाम होणार का. लेकिन अभी कोई बोर्ड रद्द नहीं किया है और कोई भाषा थोपी नहीं है, ये एक समझने की बात है. बोर्ड एग्जाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना जरूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं. बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफर किया जा सकता है. और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं, जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहां जाकर के जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए. ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है. इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे. एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे. और ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी, और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी है. NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ताकि जो बच्चे हैं एक कॉमन एग्जामिनेशन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके. ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफर होगा NTA की तरफ से. या व्हिडिओ मधला शेवटचा प्रश्न, हे धोरण कधीपासून लागू होणार आणि हे प्रायव्हेट स्कूलसाठी पण असणार का.
पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के सेकेंडरी स्कूलिंग का यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक करने की बात है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये पॉलिसी अलाइंड है। हर बच्चा जो कक्षा 3 में पहुंचेगा उसकी बुनियादी शिक्षा अचीवमेंट हो वो 2025 मतलब 6 साल के अंदर करने की बात है। कॉमन जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है।